चैप्टर नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर 1.6। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को उर्दू में कहते हैं माकूस का तरीका, यानी हमें दो लीनियर इक्वेशंस को माकूस के तरीके से हल करना। तो माकूस के तरीके में, यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, हमें सबसे पहले तीन मैट्रिक्स बनानी होती है, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, कॉलमों की शक्ल में लिखने से। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए ए मैट्रिक्स कैसे बनाएं, तो ये देखिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मेरे पास है 2x-2y विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट है -2। मैंने 2 एंड -2 को रो की शक्ल में लिख लिया, ये देखिए 2 एंड -2। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो 3 एंड 2 है, तो 3 एंड 2 को भी मैंने सेकंड रो की शक्ल में लिख लिया। तो ये मेरे पास बन गई है फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद मुझे एक्स मैट्रिक्स बनानी है, तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस के अंदर जितने वेरिएबल थे उनको मैंने कॉलम की सूरत में लिख लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, सेकंड इक्वेशन के अंदर भी दो वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, तो मैंने एक्स एंड वाई को कॉलम की शक्ल में लिख लिया। उसके बाद कॉमा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कैसे बनाई है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो इक्वल थी 4 के, सेकेंड इक्वेशन थी 6 के इक्वल थी, तो 4 एंड 6 को मैंने कॉलम की सूरत में लिख लिया। तो ये मेरे पास बन गई बी मैट्रिक्स। तो याद रखें कि इन्वर्जन मेथड के अंदर हमें तीन मैट्रिसेस बनानी होती है, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब इन तीन मैट्रिक्स की मदद से एक फार्मूला बन गया इन्वर्जन मेथड के लिए। फार्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इस फार्मूले के अंदर हमें x को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे x को अलहदा करना है। तो ये x के साथ a जो है ना, ये ज़रब हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसकी पावर जो एग्जिस्ट कर रही है वो पॉजिटिव 1 एग्जिस्ट कर रही है। इसको मैं जैसे ही राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि ये x बराबर आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। देखें कि a जो था ना वो x के लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ था, तो जैसे ही राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो फिर भी b के लेफ्ट में ही इन्वर्स होगा। याद रखना कि अगर आपने b के राइट साइड पे इन्वर्स डाल दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका खास ख्याल रखना है कि x के लेफ्ट में पड़ा हुआ था ये, तो जब ये राइट पे आएगा तो b के भी किस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव 1 है। जैसे ही राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो इसको ट्रीट करेंगे ए इनवर्स। अब इनवर्स मालूम करने का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, तो वो फार्मूला क्या होता था, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं क्या करता हूँ, इस अब ये जो a इनवर्स है इसकी जगह पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूला क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और b इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पे b डाल देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ देखिए x की जगह पे x की वैल्यू तो पुट हो सकती है, ये वाली हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें x की जगह पे ये वैल्यू पुट होगी, ये कॉलम की सूरत में x एंड y, ये मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। और इस b की जगह पे भी हमारे पास वैल्यू पुट हो जाएगी, ये 4 एंड 6 कॉलम की सूरत में जो दी गई है मैट्रिक्स, जबकि एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये a मैट्रिक्स की मदद से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन याद रखें कि सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे,
क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट लेना, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए पहले एडजॉइंट पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलें फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। तो यहाँ लिखें ए और इसके बाहर लगाएंगे ये दो वर्टिकल लाइंस। बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगानी है, सीधी वर्टिकल लाइन लगानी है। इसका मतलब है कि हम ए का डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, इसको मॉड भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ये टू, ये माइनस टू, थ्री एंड टू। इसके बाहर भी आपने दो वर्टिकल लाइन लगा देनी है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है? डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता कह सकते हैं। तो ये हम मक्ता यानी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास टू से, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स, उर्दू में भित्री अरकान। सबसे पहले आपने इन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। देखें किस तरह से, देखें टू मल्टीप्लाई टू। उसके बाद आपने अलामत लगानी है माइनस की, यानी कि साइन लगा देना है माइनस का। उसके बाद ये जो बाकी एलिमेंट्स रह गए इनको भी आपने ज़रब करनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो टू को टू से ज़रब करें तो फोर बनता है, और ये माइनस एज इट इज। थ्री को ज़रब करेंगे माइनस टू से तो आंसर आएगा माइनस सिक्स, तो इन टू लगा देते हैं माइनस सिक्स। अब ये माइनस जब इस माइनस से ज़रब होती है तो आप जानते हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से आंसर प्लस में आ जाता है। विल बी इक्वल टू फोर प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू, ये बन गया टेन। अब देखिए आपका डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया है वो 10 आ गया है, जो कि 0 नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि 10 इज डज नॉट इक्वल टू 0। अगर अब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब इनवर्स जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि सिंस के डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट बी विल इक्वल टू 0, तो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देखें ए का एडजॉइंट कैसे मालूम किया जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये देखिए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये इसके डायगनल एलिमेंट्स हैं। हमने एडजॉइंट मालूम करते हुए क्या करना है, इन डायगनल एलिमेंट्स को रिप्लेस करवा देना, यानी कि ये नीचे वाला नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी। और ये जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं, जैसे ये माइनस टू एंड थ्री, इनको बोलते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स। इन सेकेंडरी एलिमेंट्स की सिर्फ साइन बदल देंगे, अलामतें बदल देंगे। तो ये नंबर माइनस में है तो इसको प्लस में लिख देंगे, और ये प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे। तो चले एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ऊपर भी नंबर टू था नीचे भी टू था, इसलिए टू को टू में रिप्लेस करेंगे तो टू ही आएगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी एलिमेंट्स में माइनस का टू था तो मैं इसको प्लस के टू में बदल देता हूँ, नीचे सेकेंडरी एलिमेंट प्लस का थ्री था तो मैं इसको माइनस थ्री में बदल देता हूँ। अब मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी आ गया है, मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर। देखें इक्वेशन नंबर वन क्या थी मेरे पास, ये रही इक्वेशन नंबर वन। इसमें एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करूंगा, और बी की जगह पे बी की वैल्यू को रिप्लेस करवा देता हूँ। तो चलें अब देखें इसके अंदर मैं रिप्लेसमेंट करवाता हूँ कि एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। देखें एक्स वाई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने फाइंड आउट किया, देखें टू टू माइनस थ्री एंड टू, और इसके साथ बी की वैल्यू है फोर एंड सिक्स। और यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट था वो भी मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखिए ब्लैक कलर के अंदर मैं लिख पुटता हूँ, डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 10। अभी क्या करना है, ये एक्स वाई तो एज इट इज आ गई, ये मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स जो दी गई है ना इनको आपस में करना है ज़रा।
ऑब्जर्व करने का तरीका कार क्या होता है कि ये फर्स्ट रो जो होती है ना, ये इस कॉलम से जरब होती है, और जब जरब की जाती है तो क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट जरब होते हैं, यानी ये फर्स्ट वन फर्स्ट में जरब होता है, सेकेंड वन में जरब होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए दो को चार से जरब करवाएं तो एट बनता है, फिर दो को सिक्स से जरब करवाएं तो ट्वेल्व बनता है। अब देखिए फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अभी हम क्या करते हैं कि ये सेकेंड रो लेते हैं और इसको अभी एज इट इज इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये देखिए ये डिफरेंट कलर के अंदर, तो मनफी थ्री को जरब करवाएंगे फोर से तो माइनस के आ जाएंगे बारह, टू को जरब करवाएंगे सिक्स से तो ये प्लस के बारह आ जाएंगे, और ये डिवाइडेड बाई टेन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, एट में ट्वेल्व ऐड करेंगे तो ट्वेंटी, जबकि ये देखें माइनस के बारह प्लस के बारह से कैंसिल आउट हो गए तो ये जीरो आ गए। अब ये आ गया डिवाइडेड बाई टेन। अब ये डिवाइडेड बाई टेन का मतलब क्या है कि ये हर एलिमेंट पर डिवाइड हो रहा है, हर एलिमेंट पर, यानी कि ट्वेंटी पर भी डिवाइड हो रहा है टेन, और ये जीरो पर भी डिवाइड हो रहा है टेन। अभी भी इसको मैट्रिक्स में लिखना होगा आपको, तो देखिए मजीद सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड से भी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स थी इसको मैं लिख लेता हूँ, देखें एक्स वाई की सूरत में, और इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें तो ट्वेंटी को टेन पर डिवाइड करें तो आंसर टू आ जाता है, जीरो को टेन पर डिवाइड करें तो आंसर जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर मेरे पास टू आ गया, ऊपर वाला नंबर मेरे पास आ गया टू, और नीचे वाला आंसर आ गया जीरो। तो इसमें देखें कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्स के क्रॉस पेंडिंग है, और सेकेंड जो है ना ये वाई के क्रॉस पेंडिंग है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया कि एक्स विल बी इक्वल टू टू, एक्स विल बी इक्वल टू टू एंड वाई विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, तो एक लीनियर इक्वेशन से हमें सोल्यूशन मिला एक्स विल बी इक्वल टू टू एंड वाई विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड हुआ।